अपील है कि वो सब यहाँ पर पहुंचे, और मेरा सबको अंत में यही निवेदन है कि हर हाल में इस आंदोलन को जीतना है, इस आंदोलन को जीत करके जाएंगे और खट्टर सरकार के घुटने भी टिकवाने हैं, नाक भी रगड़वानी है और यहाँ के प्रशासन से माफी भी मंगवानी है और दोषी SDM के ऊपर पर्चा भी दर्ज करवाना है। साथियों, जय किसान, मैं रवि आजाद। साथियों, अभी हमें करनाल लघु सचिवालय पर, जहाँ पिछले 3 दिनों से अनिश्चितकालीन दिन रात का धरना चल रहा, आप सबको जानकारी है कि SDM के ऊपर पर्चा दर्ज हो और जो हमारे घायल किसान हैं, जो किसान भाई की शहादत हुई है, दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, हमारे किसान भाइयों के वाहनों को जो नुकसान पहुंचाया गया उसकी भरपाई हो। ये CMCT है और लाखों की संख्या में आपने देखा कि 7 तारीख को किसान, नौजवान, माताएं, बहनें जुटी लघु सचिवालय का घेराव करके और यहीं पर शांतिप्रिय तरीके से आंदोलन चल रहा। साथियों, सरकार हठधर्मिता के ऊपर है, सरकार गुंडागर्दी के ऊपर उतरी हुई है और डायरेक्ट जो SDM सीना हैं, कहीं न कहीं पूरा सरकारी तंत्र और हरियाणा सरकार उसको बचाने में लगी हुई है। जब सरेआम वीडियो वायरल होता है, सरेआम सिर फोड़ने के आदेश दिए जाते हैं और उसके बाद सिर फोड़ दिए जाते हैं किसानों के, उसके बावजूद भी पर्चा दर्ज नहीं हो रहा। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, क्योंकि किसान कभी हारता नहीं है, किसान हमेशा जीतता है और करनाल भी जीत करके जाएगा। आप सबको जरूरी जो जानकारी देनी है आगामी रणनीति के लिए, कल का जो दिन है 10 सितंबर का, हरियाणा के सभी हमारे युवा साथियों से, किसान भाइयों से, मेरी माताओं बहनों से सबसे अपील है, विशेष रूप से जो हमारे टोलों पे धरने चल रहे, कि आप सब बड़ी संख्या में जत्थों के साथ करनाल लघु सचिवालय पर जो धरना चल रहा, आंदोलन स्थल है, वहाँ पहुँचें। और सबसे ये भी अपील है कि रात को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर रुकें। सारी व्यवस्था यहाँ की गई है, गुरुद्वारों की तरफ से लंगर की व्यवस्था, जाट भवन की यहाँ बहुत लंगर की और रुकने की सारी व्यवस्थाएं जाट भवन की तरफ से हैं। खालसा एड यहाँ बहुत बड़ी मदद कर रही है और निर्मल कुटिया, हम तमाम उन संस्थाओं का भी धन्यवाद करते हैं जो कंधे से कंधा मिला करके इस आंदोलन में साथ दे रहे। और आप सबसे ये अपील है, कल आप बड़ी संख्या में इस आंदोलन को और ज़्यादा ताकत देने का काम करें। और जो 11 सितंबर है, उस दिन हरियाणा के सभी संगठनों की मीटिंग यहाँ करनाल में बुलाई गई है, संयुक्त किसान मोर्चा के हमारे सीनियर नेताओं की अगुवाई में आगामी फैसला लेने के लिए, आगामी कड़ा फैसला लेने के लिए 11 तारीख को, 11 सितंबर को मीटिंग होगी। मेरी सभी संगठनों से, सभी हमारे साथियों से अपील है कि वो सब यहाँ पर पहुँचें, और मेरा सबको अंत में यही निवेदन है कि हर हाल में इस आंदोलन को जीतना है, इस आंदोलन को जीत करके जाएंगे और खट्टर सरकार के घुटने भी टिकवाने हैं, नाक भी रगड़वानी है और यहाँ के प्रशासन से माफ़ी भी मंगवानी है और दोषी SDM के ऊपर पर्चा भी दर्ज करवाना है। आप सब इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में करनाल पहुँचने का काम करें और शांति बना करके रखें, क्योंकि सरकार हिंसा चाहती है और हम किसी भी कीमत पर सरकार के चुंगुल में फंसने वाले नहीं है। ये ऐतिहासिक आंदोलन है और करनाल में ये ऐतिहासिक आंदोलन में एक ऐतिहासिक पल है। आप चारों तरफ देख रहे हैं, एक परिवार की तरह मिलकर के सब इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे। धन्यवाद। इस वीडियो को जरूर शेयर करें। जय किसान।